हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित बेमुला के आत्महत्या मामले में हैदराबाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इस मामले में उकसाने के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। जब यह खबर मीडिया में सुर्खियां बनी तो तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि क्लोजर रिपोर्ट की जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मीडिया में चल रही रिपोर्ट 2018 में बनाई गई थी और उसे मार्च 2024 में जांच अधिकारी के सामने लाया गया। रोहित बेमुला की आत्महत्या पर पुलिस का एक्शन लोकसभा चुनाव के वोटिंग से तकरीबन 10 दिन पहले सामने आया है। 13 मई को राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। रोहित बेमुला ने जनवरी 2016 में खुदकुशी की थी। तब राज्य में टीआरएस और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रही थी। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। 8 साल बाद तेलंगाना की सियासत बदल गई है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के दौरान कांग्रेस तेलंगाना के सत्ता में है और बीआरएस विपक्ष में। केंद्र में भी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री बदल चुके हैं। सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंगारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राज्यपाल हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा है। रोहित की आत्महत्या का मुद्दा राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया था। रोहित बेमुला की मां राधिका बेमुला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा रही थी। अब बीजेपी राहुल गांधी पर मौत के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी से दलितों से माफी मांगने की डिमांड कर दी है। कांग्रेस की ओर से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। एनएसयूआई ने इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 26 साल के रोहित बेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी की थी। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य रहे रोहित बेमुला छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। उनके संगठन ने याकून मेनन को फांसी का विरोध किया था। 2015 में रोहित बेमुला समेत 5 छात्रों पर एबीबी के सदस्यों पर हमला करने का आरोप लगा था। सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंगारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधि के आरोप लगाए थे। मारपीट की घटना के जांच के बाद 21 दिसंबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी दलित छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया था। इसके बाद रोहित बेमुला की आत्महत्या की खबर आई। रोहित की मौत के बाद कुलपति अप्पा राव, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद बंगारू दत्तात्रेय समेत एबीवीपी के कई नेताओं पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप भी लगे। फिर जेएनयू समेत पूरे देश के यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। रोहित बेमुला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे कांग्रेस और वामपंथी छात्र संगठनों ने राष्ट्रवादी दहशत को आत्महत्या का कारण बताया। रोहित के समर्थन और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कार्यशैली के विरोध में कई लेख भी लिखे गए। मुख्यमंत्री केसीआर ने इस केस की जांच हैदराबाद पुलिस को सौंप दी थी। तकरीबन 8 साल बाद तेलंगाना पुलिस ने आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस का दावा है कि रोहित बेमुला दलित नहीं थे। उनकी मां ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सहारे एकेडमिक लाभ दिलवाए। रोहित अपने असली पहचान को जानते थे, इसलिए तनाव में थे। उन्हें चिंता थी कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र का सच सार्वजनिक हो गया तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा रोहित बेमुला के तनाव के कई कारण गिनाए गए। रोहित पढ़ाई से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे, जिस कारण वो अपनी पहली पीएचडी 2 साल के बाद छोड़ दिए थे। दूसरी पीएचडी में भी वह खास नहीं कर पाए। इस केस की जांच में किसी की भी ओर आत्महत्या के लिए उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद रोहित के भाई राजा बेमुला ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिले के कलेक्टर ने उनके परिवार की जाति पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए पुलिस के दावे से वह सहमत नहीं है। रोहित के परिवार ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है। उनकी मां ने भी जांच पर सवाल खड़े किए हैं। अब तेलंगाना पुलिस इस मामले की आगे भी जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।